हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है IIT रुड़की से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो IIT रुड़की है वो उत्तराखंड में सिचुएटेड है, और यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज के लिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन जो है वो इनवाइटेड है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि IIT रुड़की इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन नेशनल्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है 17 फरवरी 2021 को रिलीज़ किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं टेक्नोलॉजी के, चाहे वो आर्किटेक्चर प्लानिंग हो, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थक्वैक इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी हैं उन सबसे रिलेटेड जो यहाँ पे जो है एप्लीकेशंस को मांगा गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे लिंक ऑलरेडी दे रखा है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें अप्लाई एप्लीकेशन की लास्ट डेट, तो वो है आपकी मिडनाइट ऑफ 31 मार्च 2021, यानी 31 मार्च जो है आपका यहाँ पे जो है लास्ट डेट है। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी लास्ट डेट नहीं है। अगर आप प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी 31 मार्च है। वहीं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है पूरे साल जो है आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी यहाँ पे लास्ट डेट नहीं मेंशन कर रखी है। तो अगर हम बात करें डिजिग्नेशन और पे स्ट्रक्चर की, तो अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एडमिट लेवल 14A का आपका पे ग्रेड मिलेगा, जो कि 1,59,100 रुपीज़ से 2,20,200 रुपीज़ जाएगा। वहीं अगर बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे 13A2 का आपको एक पे लेवल मिलेगा, और जो आपका अमाउंट रहेगा वो 1,39,600 से 2,11,300। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन का जो रहेगा वो रहेगा 1,01,500 से 1,67,400, और ग्रेड टू का रहेगा वो 57,700 से 98,200 तक जो है आपको यहाँ पे ग्रेड जो है वो देखने को मिलेगा। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका PhD होना चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम 10 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो है आपने 4 ईयर्स टू बी एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, यानी कि आउट ऑफ 10 ईयर्स आपका जो है 4 ईयर एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन IITs में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे आपका PhD डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 6 ईयर्स का जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन 6 ईयर में 3 ईयर्स आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का काउंट किया जाएगा। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन के लिए, तो आपका PhD होना चाहिए, साथ ही साथ जो है आपका मिनिमम 3 ईयर्स का इंडस्ट्रियल या रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन आपका यहाँ पर जो PhD का लाइक जिसमें आपने किया है 5 या 6 या जो भी आपने किया है वो जो है यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपको PhD के बाद जो है अगर आपका 3 ईयर्स का कोई इंडस्ट्रियल या टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू की, तो यहाँ पे आपका PhD की डिग्री होना चाहिए और विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है अगर आपका जो PhD है और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी आपके साथ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो फिलअप कर लिए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म उसे लाइक सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और आपको अपने पास रखना है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि नो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन नीड टू बी सबमिटेड। तो आपको अपनी कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो सबमिट नहीं करनी है, लेकिन आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए अपना एप्लीकेशन जो है उसे आप सेव कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ अच्छी दी गई है कि अगर आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो आपको अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो यहाँ पे आपको जो है टू एंड फ्रो, यानी कि आने जाने का जो इकोनॉमिक क्लास एयर फेयर जो आपका रहेगा, लेकिन ये जो एयर फेयर आपका होना चाहिए वो एयर इंडिया का होना चाहिए। यानी अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड होते हैं और आप अगर ट्रेवल करना चाहते हैं बाई एयर, तो आपको एयर इंडिया की फ्लाइट लेनी पड़ेगी। तो आने जाने का जो भी आपका खर्चा होगा वो रीएम्बर्स कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है 1 डे का एक गेस्ट हाउस में, जो इंस्टीट्यूट के गेस्ट हाउस में जो है आपको एकोमोडेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो है कुछ और डाउट आपको है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है, तो आप इन फ़ोन नंबर पे या इन मेल आईडी पे जो है मेल करके आप जो है अपना क्वेरी जो है वो सॉल्व करा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाइएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।